किया था कि मैं जनवरी से मेंस की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, एंड मई के मिड में ये नोटिफिकेशन आया कि सी सैट इज नाउ क्वालिफाइड। तो उससे सी सैट पढ़ने का भी दिमाग में जो टेंशन होता है वो भी हट गया कि अब उसमें 60 नंबर तो यार जाके बैठ के ही मिल जाएंगे। जरूरत नहीं है, बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी बोल्ड। बहुत ही सिंपल सी सैट का पेपर आता है एंड इट इज़ क्वालिफाइंग, तो वो तो छोड़ ही दो, क्या करना है उसको। नेक्स्ट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का जो जीएस का पार्ट है उसके लिए व्हाट यू शुड डू इज यू शुड प्रिपेयर द पार्ट्स विच आर सिमिलर विथ मेन सिलेबस, ठीक है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, दीज आर थिंग्स विच कम इन मेन्स एज वेल। सो बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज सब्जेक्ट्स। अगर आप ज्योग्राफी आज पढ़ रहे हैं फॉर प्रीलिम्स, तो आप उसको ऐसे पढ़िए कि कल को कोई आपसे बोल दे ओशन करेंट्स क्या होते हैं दुनिया में, तो यू कैन यू नो मेक अ डायग्राम एंड राइट अ गुड 10 नंबर का आंसर आप उस पर लिख भी सकते। सो दैट शुड बी, दैट इज स्मार्ट प्रिपरेशन आई थिंक। तो प्रिपेयर एवरीथिंग विच ओवरलैप्स विथ मेन्स, बहुत अच्छे से उसको आप प्रिपेयर करें। एंड अब तो बहुत कम टाइम हो गया, वैसे मैंने जैसे 2 महीने पहले से शुरू किया था, अब 2 महीने भी नहीं रह गए। देन 2 मंथ्स बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम गो टू द मार्केट। वैसे आपने तो कोचिंग करी है तो यू नो बेटर देन मी। गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, कम से कम 20 से 30 टेस्ट आपको देने। तो आई वेंट आउट इन जून एंड आई बॉट सम 30-35 टेस्ट सीरीज के पेपर्स, किसी भी जो भी मिलते हैं ना बाजार में, किसी भी 2 के तुम उठा लो और आप जाएं घर और एवरी डे डू एटलीस्ट 1 or 2 पेपर्स। इट इज़ वेरी रेलिवेंट, आई एम टेलिंग यू, नोबडी टेल्स यू दिस, कि आपको, आपने चाहे पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ ली हो, आपने चाहे सारी NCERT याद कर ली हो, इट विल नॉट बी मोर बेनिफिशियल देन सॉल्विंग टेस्ट पेपर, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट रिपीट हो जाएगा मेन एग्जाम। और हिस्ट्री विस्ट्री आप पढ़ते रहोगे, अभी किया, फिर एक बार जुलाई में रिवाइज किया, एक बार अगस्त में रिवाइज किया, इट विल नॉट बी मोर हेल्पफुल देन सॉल्विंग टेस्ट पेपर। प्लस टेस्ट पेपर से क्या होता है, आपका जो करंट अफेयर मटीरियल बिल्कुल अनकंसोलिडेटेड पड़ा है वो आपको क्वेश्चंस के रूप में मिल जाता है, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज तो करनी है, जहाँ टेस्ट होता है वो देना है एंड सप्लीमेंटेड विद 1 मोर, आई विल सजेस्ट, माई पर्सनल ओपिनियन। सो डू दैट, इट इज़ वेरी, यू शुड बी वेरी हैप्पी ऑफ द फैक्ट कि प्रीलिम्स इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम। उसमें आपको 200 में 200 लाने ही नहीं है, इतनी मेहनत ही नहीं करनी किया है। लीव द फैक्ट्स, आपको लगता है बहुत फैक्ट्स पूछ रहे हैं, डोंट लर्न फैक्ट्स, टेक इट फ्रॉम मी, मैंने कोई फैक्ट नहीं याद किया। आप बिल्कुल वो सब छोड़ दें, यू जस्ट प्रिपेयर मॉडर्न हिस्ट्री रियली वेल बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री कम्स इन मेन्स, प्रिपेयर ज्योग्राफी रियली वेल क्योंकि ज्योग्राफी तो मेन्स में टफ आती है, मतलब हमारे साल ईजी आई है बट आई वॉज ऑलवेज केयर्ड ऑफ ज्योग्राफी बिकॉज मैंने ज्योग्राफी प्रीलिम्स के टाइम पर अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी। तो आई डोंट यू नो डोंट रिपीट माई मिस्टेक, आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लें, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लें, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, SLR, CRR, क्या होता है इकोनॉमी में, बैंक, वही क्वेश्चन आ रहा है कि इफ इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो बैंक को पैसे देने या बैंक से पैसे लेने। सो जस्ट वर्क ऑन दी कॉन्सेप्ट्स, ये 3 चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लें। एनवायरमेंट इज अ बिग नाइटमेयर फॉर स्टूडेंट्स आई हर्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे ईयर तो कम ही सवाल आए, हमसे पिछले वाले ईयर में शायद बड़े सारे सवाल आ गए थे एनवायरमेंट इकोलॉजी से। उसमें क्या कर रहा है, आपको एक मटेरियल उठा, एनी कोचिंग मटेरियल, एनी प्लेस विच यू हैव प्लेस योर ट्रस्ट इन, दिस इज़ अ वेरी रिप्यूटेड प्लेस, आप यहाँ का मटेरियल ले लो इकोलॉजी एनवायरमेंट का, क्रॉनिकल की मैगजीन होती है इकोलॉजी एनवायरमेंट पे, टेक 1 थिंग रिवाइज इट ट्वाइस, यही है मंत्र किसी भी चीज़ का। डू नॉट यू नो स्काउट द मार्केट प्लेस फॉर 10 डिफरेंट चीज़ें कि हम यहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ से भी पढ़ लें, डू नॉट डू दैट। इकोलॉजी आपकी ऐसी हो जाएगी, करंट अफेयर्स में जो करंट चीज़ें हैं इकोलॉजी की, कहीं पे डिजास्टर हो रहा है, कहीं पे माइनिंग में प्रॉब्लम है, बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स बन रहे हैं, कोई नया एल्गी डिस्कवर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर में कवर हो जाएगी। करंट अफेयर आई विल, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट, डू नॉट इग्नोर करंट अफेयर्स। आपको हर जगह ये बताया जाएगा कि 15 जुलाई के बाद मत पढ़ना पेपर, कहते हैं ना ये, मैंने भी सुन लिया था। हुआ क्या इससे कि एग्जाम के कुछ दिन पहले हुई थी ईस्ट एशियन समिट और पेपर में सवाल आया था कि ईस्ट एशियन समिट में कौन सी कंट्रीज आएंगी, एंड आई हैड नो आइडिया, एंड आई टू बी, सो
हार्डली एक घंटा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में. आप खाना खा रहे हो, कहीं से कहीं जा रहे हो, यू आर कन्वेइंग, यू आर इन द मेट्रो, डू नॉट लीव रीडिंग न्यूज़पेपर. आप प्रीलिम्स के दिन तक न्यूज़पेपर पढ़ते रहो क्योंकि मेंस में तो आने हैं ना. तो डू नॉट बी सो शॉर्ट साइटेड कि मुझे बस प्रीलिम्स की तैयारी करनी है. सो कंटिन्यू रीडिंग न्यूज़पेपर. ज़रूर सवाल आएंगे न्यूज़पेपर से. आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि लास्ट मंथ में भी कोई ना कोई क्वेश्चन विल कम इन प्रीलिम्स फ्रॉम करेंट अफेयर्स. सो डू नॉट लीव दैट. और नोट्स बनाना वो सब तो सबका पर्सनल होता है. आई यूज़ टू फॉलो द हिंदू एंड तो आई यूज़ टू सप्लीमेंट इट विद PRS या PIB, मंथली पॉलिसी रिव्यू, MPR आता है महीने में एंड में. उन सब से मैं थोड़ा जोड़ जोड़ के बना लेती थी नोट्स. इफ़ यू हैव फेथ इन एनी कोचिंग मटेरियल, इफ यू हैव ज्वाइंट सम प्लेस, तो आप उसको फॉलो करें. दैट इज़ गुड इनफ. ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी रिप्यूटेड. आप यहाँ की चीज़ें जरूर फॉलो करना. तो सी द थिंग इज आई एम वेरी श्योर कि यू हैव मोर नॉलेज देन मी. मेनी पीपल हियर हैव मोर नॉलेज देन मी. द ओनली थिंग दैट आई हैव मोर देन यू इज एक्सपीरियंस. इसलिए मैं यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ. आपको नॉलेज शायद मुझसे ज़्यादा होगी बट आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग दिस एग्जाम एंड क्लियरिंग. सो यू शुड लिसन टू मी. और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ दैट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. ठीक है. तो जो मैंने बोला वो आप करिए. टेस्ट पेपर्स आप ज़रूर सॉल्व करिए. डू नॉट गेट बॉग डाउन बाई द प्रेशर ऑफ कि प्रीलिम्स में ही नहीं होगा, प्रीलिम्स में ज़्यादा नंबर लाने हैं, 120 कट ऑफ जाएगा. ये बड़ा यहाँ पे पिछले साल चला था 120 कट ऑफ जाएगा. 120 तो कट ऑफ नहीं गया, 107 किया था कट ऑफ. तो डू नॉट बिलीव ऑल दीज र्यूमर्स. इस साल 140 कट ऑफ जा रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन दैट पेपर, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर गिविंग इट. तो बिल्कुल उससे घबराना नहीं है. सी सैट से तो बिल्कुल ही नहीं घबराना है. उसमें तो 5 मिनट से ज़्यादा आप स्पेंड ही नहीं करना है 7th अगस्त तक. ठीक है. एंड दिस आई एम अगेन सेइंग कि 10th लेवल की मैथ्स और इंग्लिश आती है. अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आप क्या करें, 4 साल पिछले UPSC के पेपर्स ले लें और कर लें. उसी लेवल की इंग्लिश आती है, उसको थोड़ा समझ लें. वर्क एट इट. इफ़ यू आर फेलिंग एट इट देन वर्क एट इट. इफ़ यू आर स्कोरिंग गुड एट इट डू नॉट स्पेंड वन मोमेंट इन सी सैट प्रिपरेशन. ठीक है. तो ये करना है. द प्रोसेस अपीयर्स वेरी कॉम्प्लेक्स बट आई एम हेयर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस. मैं आपको बहुत सिंपली बता रही हूँ. ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है प्रीलिम्स, बट यू हैव टू बी वेरी रेगुलर. ये मैंने देखा कि लोग जनवरी से मई तक बहुत पढ़ाई करते हैं और 2 महीने पहले उनका सब खराब हो जाता है. तो ये नहीं करना है. नाउ इज़ द टाइम दैट यू शुड बकल अप एंड स्टडी. यू नो, अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 5 से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए. सो दैट इज़ इनफ. मेंस के लिए आप तैयारी करते रहें. आई विल सजेस्ट कीप स्टडिंग टिल ऑल ऑफ जुलाई ऑल्सो फॉर मेंस. एक एक घंटा, 2-2 घंटा. आपका कोई ऑप्शनल है जो टफ है उसको 1 घंटा पढ़ते रहो. क्योंकि प्रीलिम्स का अगर पूरे दिन पढ़ोगे ना, यू विल गेट बोर्ड. इतना फैक्चुअल हो जाता है एट दी एंड कि फिर बहुत बोरियत हो जाती है. तो कीप समथिंग, थोड़ा सा आप ऑप्शनल रख लो. मैं मेडिकल साइंस पढ़ती थी. आप एनीथिंग एल्स, यू नो, यू कैन टेक अप एथिक्स या अभी छोड़ भी दो. मैंने भी छोड़ दिया था. आफ्टर जून बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है प्रीलिम्स का. सो लीव दैट एंड जस्ट वेरी सिंपली पेपर्स करना इज़ ऑफ इसेंशियल इम्पॉर्टेंस. जो पिछले UPSC के पेपर आए 2013 से बदला है ना, 10 से बदला है सिलेबस. जो ये सी सैट आया है 10 से, अब तक के तो आपको करने ही करने हैं. बहुत टाइम है तो 5 से अब तक के करने प्रीलिम्स के पेपर. ठीक है. तो सबसे पहले वो करना है और फिर टेस्ट सीरीज के पेपर्स करने हैं अपनी कोचिंग के, अपनी बाहर की कोचिंग के. यू शुड हैव डन एटलीस्ट 30 टेस्ट पेपर्स बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन. ठीक है. टाइम्ड एनवायरनमेंट में, क्योंकि टाइम की भी कमी कुछ लोगों को पड़ती है. मुझे तो नहीं पड़ी थी बट पड़ जा. तो टाइम एनवायरनमेंट में भी एक दो दे दो. बाकी बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको बस क्वालिफाई करना है एग्जाम और रैंक और नंबर तो आपके मेन से डिसाइड होंगे. ठीक है. मेंस की बात कर लेते हैं. 7 मिनट हो गए. मेंस में क्या करना है कि 4 पेपर होते हैं. पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 1 essay. ठीक है. essay की प्रिपरेशन मेरे हिसाब से कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं चाहिए. यू शुड बी वेरी रेलिवेंट इन योर करेंट अफेयर्स प्रिपरेशन. वो अपने आप आपको essay का हेल्प कर देगा. ठीक है. तो मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी. मेरे 139 मार्क्स आए, विच इज़ गुड इनफ फॉर essay. और मैंने वेरी ऑनेस्टली वहाँ जाके टाइम की प्रॉब्लम हुई.
तो यू शुड राइट एसेज इन अ टाइम फ्रेम 1 or 2 times यू नो बिफोर द मेन एग्जाम. और आप ज़्यादा चिंता मत करिए कि आपको ऐसे ही स्पेशल क्लासेस करनी है, ये वो करना है, याद करना है, बिल्कुल नहीं. बी वेरी रेलिवेंट इन योर करेंट अफेयर्स का नॉलेज एंड प्रिपरेशन, वो आपको करेंट उसमें हेल्प करेगा. और क्या करना है, एक स्पेशल चीज़ ऐसे के लिए कि लर्न अ फ्यू कोट्स, ठीक है, अबाउट विमेन, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, एम्पावरमेंट, यूथ, एजुकेशन. आप 6-7 कोट्स याद कर लें बाय गुड पीपल, यू नो, बाय मैक्स वेबर, बाय महात्मा गांधी, बाय मार्टिन लूथर किंग, ऐसे ही किसी भी नॉवेलिस्ट के, नहीं, समथिंग दैट द एग्जामिनर ऑल्सो नोज. एंड आपके तो ऑप्शनल्स भी होंगे अच्छे अच्छे, तो यू विल बी नोइंग बेटर देन मी. मुझे तो ऑप्शन से कोई हेल्प ही नहीं मिली, सो आई यूज टू गूगल द कोट्स. तो आप कुछ कोट्स, मेरे हिसाब से दिस हैज एडेड टू माई परफॉर्मेंस बिकॉज आई हैव बीन अन एविड रीडर ऑफ नॉवेल्स, ऑफ कोट्स, ऑफ अलॉट ऑफ थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी. एंड आई स्टार्टेड माई एसे विद अ कोट, आई एंडेड विद अ कोट, दोनों एसेज. मैंने बीच में भी शायद किसी के कुछ बातें ऐसी लाई थी कि मार्टिन लूथर किंग हैड सेड दिस, कोफी अन्नान हैड सेड दिस. तो इफ़ यू डू दिस थिंग्स, मुझे लगता है थोड़े नंबर बढ़ जाते हैं, द एग्जामिनर फील्स गुड. तो आपको ये सब करना है ऐसे में. स्मार्ट स्टडिंग करनी है, ज़्यादा ऐसे के लिए कंसर्टेड और फोकस स्टडी ज़रूरत नहीं है. क्योंकि यार कहाँ से आएगा ऐसे, वहीं से आएगा ना जहाँ से पेपर 2 और पेपर 3 है. एजुकेशन से आएगा या लिटरेसी से आएगा या कंट्री में क्या हो रहा है इससे आएगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएगा या वुमेन से आएगा. वो तो आप वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना. तो नो स्पेशल, बहुत ज़्यादा एकदम वैसे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है. पेपर वन में क्या होता है, अलॉट ऑफ स्टैटिक मटेरियल. तो जैसा मैंने आपको कहा, प्रीलिम्स के साथ पूरा पेपर वन कर लीजिए, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो बाद में कर लेना. आर्ट एंड कल्चर आप कहीं से भी कर लें, क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता दूँगी. क्योंकि मैंने 5 जगहों से आर्ट एंड कल्चर किया था, NIOS, नितिन सिंघानिया, NCERT, एंशियंट और मॉडर्न NCERT, और एक और कोई सीनियर के अनअकैडमी. 5 डेज द क्वेश्चन वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ दिस, नाइदर इन प्रीलिम्स नॉर इन मेंस. मे बी एक तो होंगे, पर एक क्वेश्चन तो जरूर मेंस में ऐसा. मेंस में हमारे क्या पूछा था, स्टोन एज कौन पढ़ते जाते हैं. तो आर्ट एंड कल्चर में वन वेरी स्पेशल मैं आपको एडवाइस दूंगी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें. जब सब कुछ हो जाए, मैंने क्या किया, मैंने ज्योग्राफी छोड़ दिया आर्ट एंड कल्चर के चक्कर में, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक. तो ये आप मत करिएगा. हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. सोसाइटी न्यूज़पेपर्स बिल्कुल दिल लगा के पढ़ना है. सोसाइटी के क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं, और अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें. तो वो सब कर लो. जब थोड़ा सा टाइम बच जाए तो आर्ट एंड कल्चर 2-3 दिन में किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से या किसी एक कहीं से भी, जो भी आपको पसंद है, यहाँ के कल्चर NIOS से आप प्रिपेयर करें जितना हो सके. डू नॉट गेट टू स्ट्रेस्ड अबाउट इट. अ लॉट ऑफ पीपल आई मेट हैड लेफ्ट आर्ट एंड कल्चर. ऐसा भी लोग करते हैं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है. मैंने टाइम उस पर लगा दिया. वर्ल्ड हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री ज़रूर करें आप. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आप छोड़ सकते हैं, उससे पेपर में सवाल आने बंद हो गए 2013 के बाद. तो वो आप एंड में कर लीजिएगा किसी कोचिंग के मटेरियल से छोटा सा. मैंने क्या किया, वहाँ भी मैंने इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ी, मैंने इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस भी पढ़ी, एंड नो क्वेश्चन इन द पेपर. सो लाइक आई सेड, आई एम नॉट मोर नॉलेजेबल, आई एम जस्ट मोर एक्सपीरियंस. सो टेक दिस फ्रॉम मी. इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और आर्ट एंड कल्चर आपको एंड में करना है, ठीक है. बाकी सारा पेपर वन का पहले करना. पेपर टू इज ऑल डायनेमिक. डू नॉट बिलीव एनी पर्सन जो आपको बोले कि पेपर टू के लिए ये किताब पढ़ लो हो जाएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता. लक्ष्मीकांत आपको प्रीलिम्स के पहले पहले ख़त्म करनी है, ठीक है. लक्ष्मीकांत से मेंस में कोई सवाल नहीं आना है. पेपर टू में पूरा का पूरा क्या आएगा, एनी थिंग दैट यू हैव रेड ऑल द ईयर, करेंट अफेयर्स, PRS. आई सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, PRS आप ज़रूर फॉलो करें. वहाँ बड़ी अच्छी डिस्कशंस होते हैं बिल्स पे, एक्ट्स पे, 4-5 पॉइंट्स मिल जाते हैं. बिल्कुल ऐसा लगता है क्वेश्चन आंसर जैसी वेबसाइट हो, जबकि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है. एंड इट इज़ वेरी रेलिवेंट करते हैं. तो PRS आप फॉलो करें, PIB कर सकते हैं थोड़ा. मैंने भी किया था. और क्या थे पेपर टू में, इंटरनेशनल अफेयर्स अगेन आई विल से सीक्रेट बिटवीन द टू ऑफ अस, कि आप एंड में कॉम्पाइलेशन से करें.
बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन इंटरनेशनल अफेयर, मुझे पर्सनल इंटरेस्ट भी था और मैं न्यूज़पेपर्स भी पढ़ती थी, मैं मैगजीन भी पढ़ती थी इंटरनेशनल अफेयर की। एंड में होता क्या है, एक तो इतने डीप में सवाल नहीं आते, एग्जाम में आपके पास 7 मिनट होते हैं लिखने को। सो व्हाट आई डिड एट द एंड वाज कि मैंने अपने नोट्स भी पढ़े, बट देन आई ऑल्सो टुक टू कंपाइलेशंस। आई वॉज नॉट रिलाइज, मुझे लास्ट दिन तक लगता था कि मुझसे कुछ छूट जाएगा। सो आई ऑलवेज रेड थिंग्स फ्रॉम 2 or 3 सोर्सेज। ठीक है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा उसमें रोज़ रोज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एंड में कंपाइलेशन से कर लें, मंथली कर लें, तो दैट विल सेव यू। तो PRS हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, कोई आपको मैगजीन पसंद हो तो आप मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ी। फॉर योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड योजना, स्पेशली जो प्रीलिम्स के बाद आएगी वो तो बहुत अच्छी होती है। मेक इन इंडिया पे एक आई थी लास्ट ईयर, मेक इन इंडिया पे हमारा क्वेश्चन आया इन बोथ पेपर 2 and 3। एंड योजना इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट मैगजीन, इट इज़ वेरी रिलायबल। तो पेपर 2 के लिए इतनी चीज़ें करनी है, स्टैटिक में टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा NGOs, प्रेशर ग्रुप्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी हिस्ट्री आप पढ़ लें, क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा था और पेपर में क्वेश्चन आया, तो वो आप थोड़ा सा पढ़ लें। वैसे छोड़ दिया था मैंने भी, एक क्वेश्चन तो छूट ही जाता है, इतना टाइम क्रंच भी होता है कि एक क्वेश्चन आप छोड़ दो, तो ये आप कर लेना। फिर आते हैं हम पेपर 3 में। पेपर 3 में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक सर्वे। आपको कोई कह दे कि इकोनॉमिक सर्वे छोड़ दो, उसकी ये चिट बना लो, ये उसकी की है, ये कर लो, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक सर्वे यू हैव टू स्टडी, इट हेल्प्स इन राइटिंग एन एसे, इट हेल्प्स इन पेपर 2, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन ऑफ कोर्स। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके चैप्टर्स मार्क वार्क होते हैं शायद कोचिंग सेंटर्स में, ऐसा मैंने सुना है, तो वो जो भी मार्क करें वो आप। टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो टेबल्स आप जरूर पढ़ लेना, और इकोनॉमिक सर्वे को छोड़ना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन पेपर 3 विल कम फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक चैप्टर जो है उनका इस बार पिछले साल की कि मेक इन इंडिया को स्किल इंडिया से क्या रिलेशन है और क्या फ्यूचर हो सकता है, सेम वर्ड्स फॉर देयर इन द क्वेश्चन। सो टू इकोनॉमिक सर्वे, टेबल्स बस आप पढ़ लें, या जो ब्लू में उसमें मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, तो जो ब्लू ब्लू चीज़ें हैं उसमें वो सब पढ़ लें। इट इज़ वेरी इनोवेटिव तरीके से वो लिखी गई है, उसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो कोई नहीं लिखता, यू नो, कि सिविल सप्लाईज का क्या रोल होता है डिजास्टर में, मेडिकल पर्सनल का क्या रोल होता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के साथ कैसे बिहेव करना है इन अ डिजास्टर। सो दीज आर थिंग्स, यू नो, दीज आर दी एंसिलरी एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपने ये लिख दिया, योर आंसर बिकम्स बेटर देन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, कहीं भी ऑफकोर्स ये जगह है जहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है, बात गवर्नमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको 1000 चीज़ें मिल जाएंगी बजाय, बट इट इज़ बेटर टू स्पेंड योर टाइम ऑन ARC बिकॉज ARC इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ। ठीक है, हो गया ये। और साइंस एंड टेक जो होता है, और क्या होता है उसमें, स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, और इररेलेवेंट सी बहुत सारी चीज़ें हैं पेपर 3 में, वो आपके करंट अफेयर से कवर हो जाएगी। टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इज़ वन थिंग जो बड़ा स्कोरिंग है, उससे आपका 3 में भी आएगा, वो मेंस में भी आया था हमारे, IRNSS है या कुछ भी नया जो भी हो रहा है, तो सैटेलाइट्स का ना अलग से अपने नोट्स बना लो। अब सो सैटेलाइट्स इज़ वन थिंग दैट यू शुड नॉट लीव, और बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी में एक सैटेलाइट ही टॉपिक है विच इज़ वेरी रेलिवेंट, सो जस्ट यू नो पे अटेंशन टू दैट टिल मेंस। नवंबर तक नई नई न्यूज़ उसमें आती रहती है, नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, सो पे वेरी गुड अटेंशन टू दैट। बाकी एनवायरनमेंट रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो भी मैं कहूँगी यू शुड रीड, डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स आते हैं। सो बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स बन रहे हैं, ट्रेन में कुछ नया हो गया, एंटार्क्टिका में नए एल्गी ने कुछ नॉन ऑक्सीडाइजिंग को